Hello friends, welcome back to my new YouTube video. Today I am going to discuss about vitamin B5. हमने vitamin के ऊपर lecture start किया और इसमें बहुत सारे vitamins को मैंने explain से detail से explain किया है. So आज हम बात करने वाले हैं basically vitamin B5 के बारे में कि vitamin B5 basically होता क्या है और उसके बाद ये इसके sources क्या हैं, हमें vitamin B5 कहाँ से मिलता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि दिखने में कैसा होता है. उसके अलावा हम बात करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट यानी कि हमें रोज़मर्रा कितना विटामिन B5 जो है वो रिक्वायर होता है अपनी हेल्दी अपनी हेल्थ के लिए. उसके अलावा हम बात करेंगे कि विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, उनकी बच्चों को डेफिशिएंसी से क्या होगा, बड़ों से क्या हो जाता है. और हम लास्ट पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास विटामिन B5 की बेसिकली इसके फंक्शन, हमारी बॉडी के अंदर मेन फंक्शन क्या हैं. सो चलें जी स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास विटामिन B5 बेसिकली है क्या. तो विटामिन B5 सबसे पहले आइसोलेट कहाँ से किया गया, तो ये आइसोलेट किया गया यीस्ट और लीवर से, जो कि नेचर के अंदर वाइडली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो विटामिन B5 का जो नेम है वो दिया गया पैंथोथिनिक एसिड. सो आपने टेंस नहीं होना जब आपको पूछा जाए कि दैट व्हाट इज पैंथोथेनिक एसिड, तो पैंथोथेनिक एसिड ही बेटा विटामिन B5 होता है और विटामिन B5 ही पैंथोथेनिक एसिड होता है. इट्स मीन कि विटामिन B5 के दो नाम हैं, एक सिंपल हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं दैट इट्स अ विटामिन B5, और वैसे हम इसका साइंटिफिक नेम देखें तो दैट इज़ अ पैंथोथेनिक एसिड. अब पैंथोस जो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, यानी कि पैंथोथेनिक एसिड नाम क्यों रखा गया, क्योंकि पैंथोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है अबंडेंटली. अबंडेंटली यानी कि वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होता है, बहुत ही हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नेचर के अंदर, आपको हर जगह नज़र आएगा. सो ये हमारे पास विटामिन बी है. तो हम देखते हैं कि अगर ये अबंडेंट है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसके सोर्सेज तो बहुत सारे होने चाहिए. तो चलिए जी हम देखते हैं इसके सोर्सेज के बारे में कि ये कहाँ कहाँ से ईजिली हमें अवेलेबल होता है, इसके चीप सोर्सेज क्या हैं, इसके रिच सोर्सेज क्या हैं. तो सबसे पहले जिसका मेन सोर्स है, क्योंकि ये सबसे पहले आइसोलेट ही लीवर और यीस्ट से किया गया है, इट्स मीन के इसका रिचेस्ट सोर्स जो है वो हमारे पास यीस्ट और लीवर ही होगा. सो हमारे पास विटामिन B5 का बेटा जो मेन सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स, वो है यीस्ट, लीवर एंड एग. यानी कि यीस्ट के अंदर लीवर, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में उर्दू में कलेजी कहते हैं, जो कि जानवरों की होती है, और अंडों के अंदर विटामिन B5 हाईली अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है. इसीलिए इन तीनों को कहा जाता है कि ये विटामिन B5 के रिचेस्ट सोर्स हैं, यानी कि ये बड़े अमीर हैं जिनके अंदर विटामिन B5 हैं. ठीक है, उसके बाद लिखा है जी वेजिटेबल लाइक पोटैटो, आलू, ठीक है, स्वीट पोटैटो, मीठे आलू जो होते हैं जिसको शकरकंदी भी कहा जाता है, और कैबेज, गोभी, बंद गोभी, ठीक है, और कलीफ्लावर, ये भी गोभी है, फूल गोभी, और ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली, ये वो सारे वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर विटामिन B5 कुदरती तौर पर पाया जाता है और हम इसको आसानी से हासिल कर सकते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा कि पोटैटो जो है वो बेसिकली इट इज़ द मोस्ट डिलीशियस वेजिटेबल जो हम यूज़ करते हैं. सो इट्स मीन कि हम विटामिन B5 तो बहुत ही नॉर्मली इनटेक कर रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा देखेंगे ये तो वेजिटेबल था, अब फ्रूट्स के अंदर भी क्या विटामिन B5 होता है, तो जी हाँ, फ्रूट्स के अंदर हम बात करते हैं टोमेटो एंड पीनट्स, यानी कि टमाटो यानी कि टमाटर, और पीनट्स यानी कि मूँगफली, ये वो दो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर विटामिन B5 पाया जाता है. उसके अलावा स्किम्ड मिल्क, यानी कि वो दूध जिसकी बलाई नहीं होती, बगैर बलाई वाला दूध को हम कहते हैं स्किम्ड मिल्क, और होल मिल्क जिसके अंदर बलाई होती है, एंड वीट ब्रांस, ठीक है, ये जो छान के निकालते हैं, उनके अंदर भी आपको विटामिन B5 बआसानी मिल जाता है. तो ये हमारे पास वो कुछ मेन सोर्सेज थे जहाँ से हमें विटामिन B5 बड़ी ही आसानी से मिल जाता है. अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि विटामिन B5 का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है. तो इसका हम अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, अगर हम देखें तो वो है हमारे पास C9H17NO5, यानी कि 9 कार्बन, 17 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन एंड 5 ऑक्सीजन जो हैं, ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम विटामिन B5 का नाम देते हैं. अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा विटामिन B5 का, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें ये इतना जो एरिया है ये पैंथोइक एसिड है, यानी कि पैंथोइक एसिड का
पार्ट है जिसको हम मॉइटी बोलते हैं, मॉइटी हम वर्ड यूज़ करते हैं पार्ट के लिए। उसके अलावा ये एलानिन मॉइटी है, यानी कि एलानिन का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपको मेन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है विटामिन B5 का, क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि विटामिन B5 हमारी बॉडी के अंदर, इसकी मेटाबॉलिज्म, इसका फंक्शंस क्या हैं। तो पैंथोथेनिक एसिड जो कि पार्ट है हमारे पास विटामिन B5 का, इट इज़ ए पार्ट ऑफ एसाइल कैरियर प्रोटीन। एसाइल कैरियर प्रोटीन वो प्रोटीन्स जो कि एसाइल ग्रुप को कैरी करती हैं, उनका मेन पार्ट पैंथोथेनिक एसिड होता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B5 नहीं होगा तो फिर वो प्रोटीन्स जो कि एसाइल कैरियर्स होती हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगी, वो एसाइल ग्रुप को कैरी नहीं कर सकेंगी। क्यों? क्योंकि विटामिन B5 अगर नहीं है हमारी बॉडी में, डेफिशिएंसी है, तो इट्स मीन के पैंथोथेनिक एसिड भी नहीं है हमारी बॉडी में, क्लियर हो गया। सो सेकंड हमारे पास फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्टीरोल्स। हमारी बॉडी के अंदर स्टीरोल्स की फॉर्मेशन जो है वो भी पैंथोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन B5 की प्रेजेंस में होती है। सो अगर विटामिन B5 नहीं है तो हमारे पास स्टीरोल्स नहीं बनेगा। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स भी हमारे पास विटामिन B5 की प्रेजेंस में ही बनती है। सो हमारे पास विटामिन B5 का होना ज़रूरी है। उसके अलावा कीटो एसिड यानी कि जिसको हम बोलते हैं सिंपली पाइरूविक एसिड की फॉर्मेशन के अंदर भी आपको विटामिन B5 रिक्वायर होता है आपकी बॉडी के अंदर। सो ये वो फंक्शंस थे, मेटाबॉलिज्म थे, जिसके लिए विटामिन B5 का हमारी बॉडी के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके जी, लेट मी टेल यू अबाउट इट्स डेफिशिएंसी। अगर विटामिन B5 हमारी बॉडी में नहीं है, ख़त्म है, डिक्लाइन है, तो क्या होगा? नो एनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम अपेयर। चलें जी, देखा गया है कि जिस पर्सन के अंदर अगर विटामिन B5 की डेफिशिएंसी होती है, अगर कम होता है या फिर होता ही नहीं है, तो उसमें कोई सिंड्रोम अपेयर नहीं हुआ। हमने कोई नहीं देखा कि फ़लाँ इंसान को विटामिन B5 नहीं मिला इसलिए उसको ये सिंड्रोम हो गया, उसको ये कम्प्लेक्स हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। हाँ, ए डिज़ीज़ जिसको आप बोलते हैं एक्रोमोट्रिका, ठीक है, एक्रोमोट्रिचिया जो है, इट इज़ ए बेसिकली डिज़ीज़ जिसमें क्या होता है कि प्री मेच्योर ग्रे ऑफ हेयर, आपके जो बाल होते हैं, ये बस देखा गया कि जिनमें विटामिन B5 की डेफिशिएंसी होती है, उनके जो बालों का रंग जो होता है वो जो प्री मेच्योर ग्रे कलर हो जाते हैं, ठीक है, उनका कलर ब्लैक से ग्रे होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक डेफिशिएंसी के रिजल्ट में आपको नज़र आती है डिजीज़। ओके जी, देन बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में, कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमें, कितनी रिक्वायरमेंट होती है डेली कि हमें इंटेक करनी है। नो डेफिनेट अमाउंट इज सजेस्टेड। यस, हमारे पास विटामिन B5 क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादातर अपेयर नहीं होती, इसलिए क्या होता है कि इसकी कोई डेफिनेट अमाउंट, कोई डेफिनेट लिमिट जो है वो नहीं है कि हमें डेली बेस पर इतना विटामिन B5 को इनटेक करना है, बट फिर भी येट 5 to 10 mg पर डे इज सजेस्टेड। फिर भी क्योंकि कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं है, इट डज़ नॉट मीन दैट हमारे पास कोई इसकी एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं होगी, हम इसके लिए एस्टिमेटेड कहते हैं, जिसको कहते हैं सजेशन दिया गया है कि आप 5 to 10 mg विटामिन B5 को अगर डेली इंटेक करते हैं तो इट्स मीन दैट आपको विटामिन B5 की डेफिशिएंसी फ्यूचर में नहीं होगी। सो दैट वाज ए रिक्वायरमेंट जो एक हेल्दी पर्सन को, एक नॉर्मल पर्सन को अपने डाइट के अंदर इंटेक करना चाहिए विटामिन B5, ताकि उसको डेफिशिएंसी लाइक प्रीमैच्योर ग्रे हेयर ना हो। So that was all that I discussed about vitamin B5, that what is the vitamin B5, then sources ko humne discuss kiya ki kaun se wo sources hai jahan se hame richest source mil jayega, kaun se jo hai wo poor sources hain, uske alawa humne iska structure ko dekha ki iska structure kaisa hota hai aur uska structure formula kya hai aur isme kaun se part ya kaun si moiety include hoti hai, then हमने बात की इसकी deficiency के बारे में कि अगर vitamin B5 की deficiency ho jati hai to usse aapko kya kya problems ho sakti hain, और फिर हमने इसके फंक्शन और मेटाबॉलिज्म को देखा कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन B5 नहीं है तो कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो बॉडी में नहीं परफॉर्म होंगे और डिले हो जाएंगे। लास्ट में हमने देखा इसकी डेली रिक्वायरमेंट कि हमें रोज़ कितना इंटेक करना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।